हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो आप सब लोग आई होप सब मस्त हैं जबरदस्त हैं हम कर रहे हैं आपका सोगा सेल्स ऑफ वुड्स एक्ट 1930 थर्टी जहाँ पर हम कंसेप्ट स्टार सेशंस पे कर चुके हैं आज जितने भी क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल के हैं उनसे हम नेक्स्ट वन और सो आर्ज व्हाट्स टाइम इज रिक्वायर्ड हम करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर सी एम मे दिशा योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इन केस ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स विच आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स द गुड शुड कंफर्म टू द डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट अगर मैंने बोला मुझे कॉटन की पांच सौ टी शर्ट प्लेन वाइट चाहिए तो उसके साथ मैच होना चाहिए द गुड मस्ट बी इन डिलीवरेबल स्टेट अभी टी शर्ट सिलेट से बंद तो गई है बट उसमें हैमिंग नहीं हुई है या लेबलिंग नहीं हुई है समथिंग इज मिसिंग तो वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं होंगी दोपरेशन मस्ट बी बाय द सेलर विद द एसेंट ऑफ द बायर सेलर करेगा बायर के बिहाफ पे या, या बायर के ओके होने पर या ये ऑल ऑफ द बुड बी करेक्ट बताइए गाइज क्वेश्चन नंबर वन ठीक yes, टू okay, क्या है हमारी किताब में हमारे कंटेंट में एक्चुअली हमने प्रॉपरली पढ़ा था जब हम टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ रहे थे यस yes, हमने क्या बोला एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स क्या है सेपरेटिंग द गुड सोल्ड फ्रॉम द अदर्स क्वान्टिटी ऑफ गुड्सूटेबल रेसेप्टिलीवरिंग द गुड्स टू दैरियर और अदर बेली फॉर दर्पज ट्रांसमिशन टू दिजर्विंग गुड्स को गुड सोल्ड मतलब लैसे में मैंने दस हजार टी शर्ट बनाई उसमें पांच सौ टी शर्ट एक दी थी तो मैंने अलग कर दी है हाँ ये अप्रोप्रिएशन है पुटिंग द क्वान्टिटी ऑफ गुड्सबल रिसेप्टेबल्स के सामने वाला ले पाए ओके डिलीवरिंग दुड्स कैरियर और अदर बेली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू दायर रिजर्विंग ऑफ डिस्पोजल की वो आगे बेच सकता है जी बिल्कुल ये भी सही है तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू का ऑल ऑफ दीक लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर थ्री अप्रोप्रिएशन नो लेट्स क्वेश्चन नंबर थ्री द रूल ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट द रिस्क विद ओनरशिप जिसकी रिस्क उसका ये हमने पढ़ा है तो रिस्क किसके साथ ट्रांसफर हो जाता है ओनरशिप के साथ तो कस्टडी नो डिलीवरी नो पोजेशन नो इट इज ओनरशिप क्वेश्चन नंबर थ्री यस लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर फोर नेमो नॉन हबैथ मीन्स इसका मतलब है जो आपका नहीं है वो आप आगे नहीं बेच सकते हमने इसमें अर्चना कपिल और गुत्थी का एग्जाम्पल लिया था यस नो वन इज ग्रेटर देन गॉड नो नो कैन नन कैन गिव हु डज नॉट हिमसेल्फ पोजेस यस एवरी वन कैन गिव एवरीथिंग ये एवरी वन इज बाउंड बाई हिज हैबिट अब लिखा है तो उससे हैबिट आ जाएगा क्या नो नो ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव देखें ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड सोल्ड टू दूर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड ट्रांसफर हो गया है तो ये एक्चुअल डिलीवरी है सिम्बॉलिक डिलीवरी है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है कुछ भी नहीं है जैसे गाड़ी मैंने आपको बेची गाड़ी मैंने एक्चुअली आपको ट्रांसफर कर दी है एक्चुअल डिलीवरी हो गई सिम्बॉलिक डिलीवरी जैसे मान लेते हैं वेयर हाउस में वेयरहाउस की चाबी मैंने आपको दे दी वेयरहाउस उठा के नहीं दिया चाबी दे दी सिंबॉलिक हो गया कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी जैसे ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कुछ सामान देने का और ए ने बोला सी के गोडाउन से उठाना है तो ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई अब ये बोल रहा है डॉक्यूमेंट ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू तो द गुड्स ये क्या हो जाएगा ये सिंबॉलिक डिलीवरी हो जाएगा यस ये सिंबॉलिक डिलीवरी हो जाएगा जैसे हमने चाबी दे दी थी वेर हाउस की तो ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ सिंबॉलिक ट्रांसफर ही हो जाएगा जैसे मान लेते हैं कोई कागजात दे दिए कोई रिसीट की कॉपी दे दी से तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड ये सिम्बॉलिक डिलीवरी हो गया जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा सामान जो है ट्रेन से चेन्नई से आ रहा है दिल्ली आना है जिसको तीन चार दिन लगेंगे ट्रेन से आने में ओके तो ये रिसीट थी वो मैंने आपको दे दी और आपसे उधार ले लिया लेट से तो ये जो समान है एक्चुअली तो नहीं गया बट जैसे ही डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड गया तो आपके पास एक तरीके से सिक्योरिटी आ गई कि अगर मैंने डिफॉल्ट किया तो आप इस गुड्स uh, को ले लेंगे और अपने अपने पैसे निकलवा लेंगे ठीक बात है दिस वॉज क्वेश्चन नंबर फाइव लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर सिक्स चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं अंडर सेक्शन टू सबसे डिलीवरी ऑर्डर मतलब इस तरीके से इन्वाइस पकड़ लो इस तरीके से ऑर्डर डिटेल वाली कॉपी पकड़ लो एनेबलिंग अ पर्सन टू ऑपटेन डिलीवरी ऑन पेमेंट ऑफ प्राइस पैसे दो और सामान ले लो डिलीवरी ले लो ये इसको हम मान लेंगे कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है

से डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड नहीं होगा इट इज डीम्ड टू बी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑल ऑफ यू दिस वॉज क्वेश्चन नंबर सिक्स गो टू क्वेश्चन सेवन certificate is share certificate क्या है एक document to the title of goods है bill of exchange है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स है या ही नहीं होने चाहिए क्योंकि of of ही है. ये इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है मुझे बताइए आप बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर भी नहीं है कोर्स आप ट्रांसफर करना चाहो तो कर सकते हो बट ये शेयर सर्टिफिकेट ये दिखा रहा है कि आप इस डॉक्यू इस शेयर्स के होल्डर हो ठीक है तो ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड ये दिखा रहा है कि आप होल्डर हो तो जो आंसर बुक में दिया हुआ है सी है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ द गुड्स। मेरे हिसाब से ए और सी शुड नॉट बी टू डिफरेंट ऑप्शन बट बुक में आपकी अगर मैं बुक उठाती हूँ इंस्टीट्यूट की तो वहां पर आंसर यही दिया हुआ है तो हम इसी के साथ चल लेते ठीक है जी चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट की ओर क्वेश्चन नंबर एट क्या बोल रहा है बिल ऑफ लीडिंग क्या है जैसे मान लेते हैं मैंने आपको सामान भेजा मैं इंडिया रहती हूँ आप कनाडा रहते हैं मैंने आपको शिप से सामान भेजा तो जब मैं कस्टम्स में जाती हूँ सामान इंटरनेशनली जा रहा होता है बाय वाटर वाटर मोड के थ्रू तो वहां पर एक डॉक्यूमेंट होता है इसे हम बिल ऑफ लीडिंग बोलते हैं जो एक तरीके का डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड ही है जैसे कि जब ट्रेन से आ रहा था तो मैंने रेलवे रिसीट दे दी थी अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जाम्पल दिया था उसी तरीके से बिल ऑफ लीडिंग भी एक तरीके से डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड ही है ये जो तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट और चेक ये नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं अंडर सेक्शन फोर फाइव एंड सिक्स ऑफ एन आई एक्ट एटीन एटी वन जो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ठीक दिस वॉज क्वेश्चन नंबर एट द आंसर वुड बी डी इन हियर लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर नाइन सेक्शन नाइनटीन ऑफ सोगा डील्स विद पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सेक्शन 19 किस के बारे में बात करता है अनसर्टेन के फ्यूचर के स्पेसिफिक या अनसर्टेन के या कंटिंजेंट के कंटिंजेंट गुड्स नहीं है आंसर ए बी सी में से क्या है दोस्तों व्हाट्स गोइंग टू बी द राइट आंसर सेक्शन 19 बात करता है स्पेसिफिक या अनसर्टेन गुड्स की बाकी जो सेक्शंस है दैट्स योर होमवर्क यू राइट द आंसर ऑफ द सेक्शंस इन द कमेंट बॉक्स एंड आई एम गोइंग टू personally respond to all of you those who write theek hai this was question number 9 let's go to question number 10 voluntary transfer of possession main apni marzi se maine possession aapke paas transfer kar diya hai from one person to another isko kya bolenge delivery bolenge ये license नहीं है, gift नहीं है, ownership भी नहीं है. it is delivery that has been passed on ठीक है? this was question number 10 let's go to question number 11 which of the statements is incorrect in connection with duties of seller and buyer okay it is a duty of seller to deliver the goods that's that's correct आपसे बट इनकरेक्ट पूछा है ध्यान से आपसे इनकरेक्ट पूछा है ये करेक्ट है सेलर की ड्यूटी है कि सामान पहुंचा दिया जाए इट इज अ ड्यूटी ऑफ द बायर टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर देम दैट्स आल्सो करेक्ट सामान आपके पास आया तो उसे एक्सेप्ट कीजिए पेमेंट दीजिए इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स अब या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा हम ये बोल चुके हैं सही है इसलिए यही इनकरेक्ट होगा नेक्स्ट क्या इट इज अ ड्यूटी ऑफ द बायर टू टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स दैट्स ऑलमोस्ट सेम

एक्चुअली uh, ओनरशिप नहीं पोजिशन जा रहा है डिलीवरी में ओनरशिप विद डॉक्यूमेंट ऑफ बैटलॉग गुड ऑफकोर्स वो भी चला जाएगा बट आंसर हेयर टू क्वेश्चन नंबर इलेवन नो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज एके

कैरियर और ट्रांसपोर्टर का एजेंट कैसे अनपेड सेलर होगा सेलर का ही बंदा होगा ना जो जिसको पेमेंट नहीं मिली है तो उसे हम अनपेड सेलर मान लेंगे दिस आल्सो इज इन द राइट आंसर और ए नहीं था क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट पे हम हंड्रेड परसेंट श्योर थे अगर यहाँ से आप कंफ्यूज भी होते तो ऑल ऑफ द बव नहीं और इन दोनों में से चूज करना है ऑफकोर्स हम एलिमिनेशन जैसे मैंने अभी चूज किया कि क्या नहीं है हम कन्फ्यूज ऐसे एग्जाम में भी हो सकते हैं ये समझ नहीं आ रहा सही आंसर क्या है गो विद एलिमिनेशन वो सब हटा दो जो सही नहीं हो सकता है बेस्ट आंसर चूज कर सकते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि कोई क्वेश्चन छोड़ के ना आए हाँ ये कर सकते हो कि स्टार्टिंग में जो नहीं आ रहा है वो भी छोड़ दीजिए और फिर बाद में वी विल रिविजिट ठीक है दिस वाज क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर सेवनटीन The term unpaid seller includes unpaid seller में कौन include होगा buyer's agent to whom the bill of lad lading is

ठीक है वो सपोज टू गेट मनी फ्रॉम ए बी बट ए को आगे सी को देने थे पैसे तो जो साइन डॉक्यूमेंट बी ने ए को दिया था वही डॉक्यूमेंट ए ने सी को दे दिया तो ये हो गई तो अनपेड सेलर कौन है जिसे पैसे भी मिले नहीं है बी ने अभी सी को पैसे देने हैं तो आंसर हो जाएगा व्हाट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का गाइस ऑल ऑफ यू समझ में आया You guys understand this? Question number 17, अगर ये चमका तो गिमिया टेक्निकल था बट आई होंडरस्ट क्वेश्चन कौन यूज ले सकता है राइट ऑफ लियन कौन एक्सरसाइज कर सकता है इवन वेन प्रॉपर्टी इन गुड्स बार ये यू कैन स्टिल एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन ओनली वेन द प्रॉपर्टी इन द गुड नॉट To the buyer. Mm, yes, that's also correct. That's also correct. बट ओनली बोल रहा है ओके द आंसर सीम्स टू बी ए वाई बिकॉज ओनली बोल रहा है चाहे पास हो चाहे नहीं हो दोनों सही है इधर और इधर और पढ़ने से कंफ्यूजन हो रहा है इधर ए और भी दोनों सही है यहाँ पे क्योंकि ओनली लिखा है ओनली नहीं लिखा होता तो दोनों सही थे ओनली अगर नहीं लिखा होता देन दिस वुड है नाउ द आंसर इज गोइंग टू बी एनली एम आई क्लियर आइज आ गया

अनपेड सेलरसाइज इज राइट ऑफ विद होल्डिंग ऑफ दुड्स लास्ट दोनों क्वेश्चन में हमने बोला था चाहे समान नहीं भी चाहे वैसे ही यहाँ पर भी विदहोल्ड कर सकता है इवन वन दॉपर्टी पास ओनली जरूरी नहीं है इसलिए ना तो आंसर सी सही है ना डी सही है ना आंसर वुड भी है Unpaid seller can exercise his rights of lien even when the property in the goods have passed to the buyer. Yes, 18th, 19th. Unpaid seller can exercise his rights of resale of the goods even when the property in the goods have passed to the buyer. Yeah.

जर्नली द ओनर और एनी अदर पर्सन कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी नो इट इज ओनली द ओनर हु कैन ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ ओनर कर सकता है जैसे हमने देखा था कपिल अर्चना और गुत्थी केस में अर्चना ओनर थी कपिल नहीं ट्रांसफर कर सकता था येस नमो दैट द बैथ मीन्स नो वन कैन गिवट नॉट हिमसेल्फ है

एक्चुअली यहाँ पर आंसर ट्रू होना चाहिए मेरे हिसाब से है ना वैसे या फिर ऐसे क्वेश्चन चेंज होना चाहिए डिलीवरी ऑफ गुड्स कैन बी कैन ओनली बी ओनली बी एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव ठीक है या फिर ऐसा होना चाहिए था एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव या खाली एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव हो सकती है एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव तो हो सकती है सिम्बॉलिक नहीं हो सकती तब स्टेटमेंट फॉल्स लेते या फिर ओनली ऐसे करके स्टार्टिंग में लिख देते कुछ तो होना चाहिए था है ना इफ आर राइटिंग

ठीक है दिस फर्स्ट फाइव लेट्स गो टू फ्यू मोर वेन गुड्स आर फिजिकली हैंड ओवर बाय द सेलर टू द बायर इट इज कॉल्ड सिम्बॉलिक डिलीवरी नो फिजिकल जा रहा है तो ये एक्चुअल है चलिए बाकी आंसर आप देंगे मैंने इसका आंसर दे दिया है आंसर पहले आप कॉपी में लिखेंगे फिर मैं आपको समझाऊंगी सिम्बॉलिक डिलीवरी अकर्स वेन डूइंग सम एक्ट विच इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन पोजिशन टू द बायर डिलीवरी ऑफ की इज टू अ गोडाउन और वेयर हाउस इज अबालिक डिलीवरी इज अ ट्रू और फॉल्स आंसर दीजिएगा

फॉल्स ही है है ना हमने बोला था एक्चुअल है ये नेक्स्ट क्या है डिलीवरी हो रहा है क्या पोजेशन ऑफ गुड्स विदाउट एनी चेंज इन देर एक्चुअल और विजिबल कस्टडी एक्चुअल और विजिबल कस्टडी तो गया नहीं बट चला गया समान जैसे सी के गोडाउन में से बी के पास चला गया ये आंसर हेयर इज ट्रू या very well two more a person to whom the whole of the price has not been paid or when a bill of exchange or instrument has not received but he has been dishonored is called unpaid seller and a payment in would directly name and check ke through whatsoever yes that's that's correct that's an unpaid seller

ओनली डैश गुड्स एक्ट सिर्फ और सिर्फ ये वाली गुड्स पार्ट होता है चलिए आंसर लिखेंगे और भी आंसर डिस्कस करूंगी प्रॉपर्टी मीन जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स एड नॉट मीयरलीफाइड एंड अग्रीड अपॉन टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर कॉल्ड

एप्पल वाला एग्जाम्पल बगान वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने अभी बनना बाकी है तो फ्यूचर में गुड्स आएंगे बताएंगे इसके आंसर्स क्या है आराम से लिखिए आंसर एंड नॉलेट सी द आंसर्स ओके लेट मी जस्ट राइट इट फॉर यू गाइज हाँ से यहाँ दिए हुए मैं आपके लिए आंसर लिख रही हूं बट आई वॉन्ट यू गाइज टू गिव योर सेल्फ अ मोमेंट एंड राइट द आंसर योर ट्राई राइटिंग द आंसर योर सेल्फ ट्राई राइटिंग द आंसर योर सेल्फ तो के अंदर कौन से हैं सिर्फ और सिर्फ मूवेबल क्योंकि इमूवेबल गुड्स के बारे में हम बात ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में करते हैं एक मिनट हमने सिर्फ दस फॉल्स क्यों करे हैं आई थिंक देवर फोर्टी और ट्रू फॉल्स ओके okay, अगर यहाँ पे कुछ रह गए हैं ऐसा मुझे लग रहा है एम नॉट श्योर एक बार मैं चेक कर लूंगी बुक में अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे तो हम किसी और सेशन में ट्रू फॉल्स फॉल्साले कर लेंगे बाकी सारे क्वेश्चन okay, आई थिंक आई इंक्लूडेड ओके यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक हो गई है एनीवेज अभी जो कर रहे हैं उसको तो कर लेते हैं ठीक है तुम क्या बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मूवेबल गुड्स ही आती है यहाँ पर प्रॉपर्टी मीन जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स एंड नॉट मीयरली स्पेसिफिक है ना खाली जनरल प्रॉपर्टी सॉरी तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नहीं प्रॉपर्टी कौन सी है जनरल प्रॉपर्टी तो है बट जरूरी नहीं कोई स्पेशल प्रॉपर्टी हो स्पेशल प्रॉपर्टी आई होप आपने आंसर यही दिया होगा गुड्स आईडेंटिफाइड एंड टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर कोल्ड जो जब हमने स्पेसिफिकली बता दिया है कि ये चाहिए है ना इनको हम स्पेसिफिक गुड्स कहेंगे अभी जो बनी नहीं है वो फ्यूचर गुड्स हो जाएंगी गुड्स विच आर टू बी नहीं ये यह यहाँ पर फ्यूचर गुड्स तो ये है जो फ्यूचर में बननी बाकी है मैन्युफैक्चर होनी बाकी है वो फ्यूचर गुड्स हो जाएंगी बट जो क्वेश्चन नंबर फोर है यहाँ पर बोल रहा है आ, ये तो स्पेसिफिक थे यहाँ पर अग्री नहीं हुए हैं यहाँ पे हमने बताया नहीं है ये कौन सी गुड्स हो जाएंगी नॉट आइडेंटिफाइड है ना अनअसर्टेन अनअसर्टेन्ड अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे अनअसर्टेन को और क्या भी कहते हैं इन योर कमेंट बॉक्स आप मुझे आंसर देंगे ठीक है दैट्स योर होमवर्क गाइस दो होमवर्क हो चुके हैं आज के लिए दो सेक्शंस बताए थे मैंने आपको पूछे मैंने आपको सेक्शन उन्नीस के अलावा बाकी गुड्स के और एक ये क्वेश्चन हो गया आपके पास लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन इनकेस ऑफ डैश गुड्सिशन इज कंटिजेंट अपॉन दिच मे है साथ साथ देखते हैं ठीक है क्या है, contingent है. तो कौन सी हो जाएंगी कंटिजेंट गुड्स डिपेंड कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्रिएट अ राइट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किस किसके लिए राइट right क्रिएट कर देता है इट क्रिएट्स राइट इन रैम मैंने समझाया था बहुत अच्छे से है ना एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल था एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अग्रीमेंट टू सेल था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अग्रीमेंट टू सेल किस पे किसके लिए राइट right क्रिएट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन जनरल इज रेम और स्पेसिफिक टू दैट परसोना पर्सन इजोन और अग्रीमेंट टू सेल बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट अ सेल इन एन एक्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वेर एन अग्रीमेंट टू सेल इज एन डैश कॉन्ट्रैक्ट अ सेल इन एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वेर एज एन अग्रीमेंट टू सेल इज अ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एक्जीक्यूटेड है सेल जो है एग्जीक्यूटेड है और ये एग्जीक्यूटरी है स्टीपलेशन एस टू टाइम ऑफ पेमेंट आर नॉट द एसेंस ऑफ एसेंस नहीं है क्या स्टीपलेन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट टाइम ऑफ पेमेंट एसेंस नहीं है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेलो गुड किसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इस किसका एसेंस नहीं है टाइम इज ऑफ दॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुडीन द सेक्शन टू वन ऑफ सेल ऑफ गुड एक्ट नाइनटीन थर्टी कैन बी डिलीवरी में क्या पड़ा था टू वन के अंदर एक्चुअल भी हो सकते है सिम्बॉलिक भी हो सकते हैं कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है है तो ना एक्चुअल भी हो सकती है यहाँ पे आंसर नॉट श्योर आपको दिखेगा या नहीं मैं ऊपर लिख देती हूँ एक्चुअल और सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव ठीक है जी लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुज इन सोगा नाइनटीन थर्टी बताइए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बताया गया और ऐसे प्राइस कौन से सेक्शन बता रखा है सेक्शन टू सेक्शन टेन ऐसे गुड्स का बता रखा है सेक्शन टू सबसेक्शन सेवन इंपॉर्टेंट है ये सारे लर्न ये करने हैं हमें गलती से भी छोड़कर नहीं जाने हैं यस एक्शनेबल क्लेम का में गुड्स में नहीं इंक्लूड होता है कहाँ होगा इट इज इट हैज डिफाइंड अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ठीक है चलिए नेक्स्ट यार बहुत सारे फिलअप से क्यों नहीं आ रहे हैं वाई आर दे नॉट बीन शॉन मी जस्ट क्विकली चेक गिव मी अ मोमेंट ओके लेट मी जस्ट क्विकली चेक क्या चेक कर लेते हैं हैंड टू हैंड इसे फिनिश करते हैं ना क्योंकि हम बाद के लिए कितना सामान छोड़ेंगे हम ऑलरेडी टाइम लगा रहे हैं चीजों पे तो लेट्स नॉट not... हाँ ये देखिए ओ माय गॉड ये तो बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए हैं हमने यहाँ पे कहाँ तक करे हैं आई थिंक ट्वेंटी तक ही करे हैं है ना इसके बाद वाले क्वेश्चंस करने भी मान लिया है ओके अभी करते हैं गाइज विल डू इट नाउ विल ऑल डू डू ऑल ऑफ दिस नाउ कोई बात नहीं मैं कंटेंट में इनके स्क्रीनशॉट दे दूंगी बट अभी हम क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं तो पहले उन्हें कंप्लीट करते हैं फिर जो ये ट्रू फॉल्स हैं वो कंप्लीट करेंगे एंड देन विल मूव फॉरवर्ड ओके चलो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किया अभी हमने फिफ्टीन तक किया ना सिक्सटीन चलो सिक्सटीन ऑनवर्ड्स करते हैं थोड़ा सा बड़ा कर देती ताकि आप आराम से देख पाए चलो आ जाओ गाइज एवरीबडी ऑन द स्क्रीन टर्म्स फॉर टर्म्स नॉट डिफाइंड इन सोगा जो सोगा में डिफाइन नहीं करी गई है रेफरेंस कहाँ दिया गया है उनके बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू में बात कर रखी है उसके बारे में अब इनके आंसर आप लोग लिख लेंगे गाइस क्योंकि इनका स्क्रीनशॉट नहीं मैं दे पाऊंगी जो मैं लिखूंगी वो वैसे गायब हो जाएगा जैसे मैं नीचे जाऊंगी ठीक है तो इसका आंसर आप लिख लेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी फ्यूचर गुड इज़ है फ्यूचर गुड क्या है फ्यूचर गुड क्या है या yeah, कंटिजेंट भी बोल सकते हैं या फिर इसको सेल uh, नहीं से बोलेंगे इसे हम अग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे अग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे ओके अब सेल्स ऑफ गुड्स 1930 कब एनफोर्स हुआ था 1930 में हुआ था कौन सी तारीख को हुआ था एक जुलाई 1930 में हुआ था सो उन्नीस सौ तीस तो याद करना मुश्किल नहीं होगा वन जुलाई याद कर लीजिए ओके द रूल द जनरल रूल ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज प्राइमा फेसिया पासिस विद्क प्राइमा पासिस विद ओनरशिप ये तो हमने पढ़ा हुआ है

to deliver the goods to the buyer to the port of destination the contract is known as यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे एक्चुअली इसके बारे में हमने बुक में नहीं पढ़ा है बट एक क्वेश्चन आपकी किताब में दिया हुआ है ये हमको बुक में अभी तक हमने कंटेंट में कहीं नहीं पढ़ा है बट स्पेसिफिकली दिया हुआ है तो मैं इसको डिफरेंट कलर से लिखती हूं ओके एनीमपोटेंट से बोलते हैं एक्स शिप क्या बोलते हैं एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट हमने नहीं पढ़ा इसके बारे में बट एक क्वेश्चन हमारी बुक में दिया हुआ है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इंपॉर्टेंट हो जाता है एम आई क्लियर राइट दीज आंसर्स ओके चलिए आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू की ओर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी एक्सरसाइज बाय अनपेड सेलर सेल द बायर बिकम्स इनसॉल्वेंट पैसे वो दे ही नहीं सकता है ठीक बात है नेक्स्ट एन एक्ट बाय विच एन इंटेंडिंग बिडर इज डिस्करेज और डिसवेडेड फ्रॉम बिडिंग इन द ऑक्शन इज कॉल्ड अगेन ये भी हमने कंसेप्ट नहीं पढ़ा है बट हमारे किताब में क्वेश्चन दिया गया है इसे बोलते हैं डैम्पिंग क्या बोलते हैं डैम्पिंग इसको आंसर को माफ कर लीजिए हम किताब में नहीं पढ़कर आए कंटेंट में इसको नहीं पढ़कर आए एंड आई स्पेसिफिकली जो हमारी बुक में दिए गए हैं ठीक है चलिए कितने मोड ऑफ डिलीवरी होते हैं तीन होते हैं ए है टेन हॉर्सेल वन टू बी द इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड इज किसी एक घोड़े के लिए है ठीक है बट बताया कि कौन से गोडे के लिए कोई पर्टिकुलरली स्पेसिफाई किया है नहीं बहुत सारे में से कोई एक देना है अनुड लिख लेंगे आंसर प्लीज ठीक है द सोगा नाइनटीन 1930 गवंस द ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी यार बात करता है द फाइंडर सेल द गुड्स इफ द गुड्स आर Goods खो गई थी ठीक है और जिसको मिली है वो बेच सकता है अगर वो वुड्स किस नेचर की है खराब हो सकती है जैसे पेरिशेबल, क्या बोलेंगे पेरिशेबल, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस एन अग्रीमेंट टू सेल इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इज एन एन है, क्या बोलेंगे ए आई ओ यू है ए वो एन बोल रखा है अभी होना बाकी है तो एग्जीक्यूट और एग्जीक्यूट्री एग्जीक्यूट्री कॉन्ट्रैक्ट एन पढ़ने से बोला मैंने इसका आंसर ठीक है स्टेट ऑफ कहाँ पे नहीं लगता है पहले होता था दैट्स अ रॉन्ग आंसर जे एन के में पहले नहीं होता था अब होता है इस क्वेश्चन इज रॉन्ग यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं है ऑल्सो द स्टेट ऑफ जे एन के आना चाहिए ऑलसो अगर ये एक्सेप्ट होता है तो इट इज रॉन्ग अब क्योंकि जेएनके में भी एप्लीकेबल है प्रॉपर्टी इन द गुड्स ऑफ सोगा मीन्स डैश ऑफ गुड्स कौन सी ऑफ गुड्स है प्रॉपर्टी इन गुड्स क्या है प्रॉपर्टी इन द गुड्स इन सेल प्रॉपर्टी क्या ownership है ऑनरशिप है ऑनरशिप ऑफ गुड्स है ठीक है नेक्स्ट दल इज राइट अगेंस्ट द गुड्स सोल्ड व्हेन प्रॉपर्टी इन गुड्स हैव पास द है बैरल्स तीनों पॉइंट पढ़े प्रॉपर्टी इन द गुड्स गाइस आंसर्स प्लीज लिख लीजिए ओके नेक्स्ट अ फाइंडर कैन सेल द गुड्स इफ द गुड्स आर पेरिशेबल uh, पढ़ चुके हैं इस बारे में भी पेरिशेबल ढूंढा था उसने ओरिजिनल बंदे को जो ओनर था बट नहीं मिला वो ओके okay? नेक्स्ट क्या है डैश इज अ फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वायर टू प्रिवेंट कॉम्पिटिशन अमंग इन एट एन इस बारे में हम पढ़कर नहीं आए हैं बट क्योंकि क्वेश्चन इम्पोर्ट बुक में दिया हुआ है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है इसको बोलते हैं नॉक आउट अग्रीमेंट क्या बोलते हैं नॉक आउट अग्रीमेंट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर क्या होता है यहाँ बायर्स मतलब कुछ लोगों को कुछ स्पेसिफिक बायर्स को हम रोक रहे हैं प्रिवेंट कर रहे हैं कंपटीशन कॉम्पिटिशन अमंगल्फ एट अनऑप्शन से सिर्फ उन्हीं के बीच में कंपटीशन होता रहे अगर हम बोली लग रही है लेट से ठीक है इट इन प्रिटेंडेड बिडिंग मतलब एक्चुअली में बिडिंग नहीं हो रही ऐसे जस्ट टू मेबी नो कोई चीज सौ रुपए की बेचनी थी बट शुरू ही लेट्स पाँच सौ में से कोई कर रहा है बिडर लेट से फॉर एग्जाम्पल तो ये प्रिटेंडिंग बिडिंग है प्रिटेंडिंग बिडिंग क्या है क्या है, ये लीगल है नहीं तो ये क्या है यहाँ पर ऑप्शन ऑफ द बायर बोल रखा है तो इट इज अट इज वेबल अगर बायर चाहेगा तो इसे अवॉइड करा सकता है वरना तो ये वेरी मच वैलिड रहेगा प्लीज या तो इसका स्क्रीन ले लो ठीक है या लिख लो इम्पोर्टेंट है ओके ओके इसके बाद एक ही क्वेश्चन ऑफ़ नेमो भी लिखा होगा तो भी आप लिख, आंसर लिख सकते हैं ना ओके okay गाइस ये तो इजी है ओके okay, इस गाइस शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन आ गए हैं बट हम इससे पहले जो हमारे क्वेश्चन छूट गए हैं, हम उन्हें कंप्लीट करते हैं ओके लेट्स फिनिश दिस ट्रू फॉल्स कहाँ तक फिफ्टीन तक के हैं यहाँ पर कितने कौन से क्वेश्चन तक करें? ये हमने कुछ नहीं पढ़ा okay, है ना टेंथ टेंथ तक करे हैं हमने इलेवेंथ क्वेश्चन ऑनवर्ड्स करना शुरू करते हैं लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इलेवेंथ क्वेश्चन ऑनवर्ड्स आइए पढ़ेंगे गाइस साथ मिलके The doctrine of caveat emptor is not applicable when the buyer has relied upon the skill and judgment of the seller. That's true. Okay, let the buyer be aware. तब नहीं बोल सकते. तब नहीं बोल सकते, guys. जब uh, seller के expertise पे कोई जना निर्धारित है, ठीक है? फिर क्या बोल रहा है? Uh, current मनी हो जाएगा मनी तो नहीं आता है एक्शनेबल क्लेम्स नहीं आता तो ये हो जाएगा फॉल्स अंट्रेक्ट ऑफ फ्यूचर गुड इज एन अग्रीमेंट टू सेल दैट्स ट्रू कॉन्ट्रेक्ट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड इज हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट इज दैट ट्रू नॉट नेसेसरिली आपके शेयर में आप अकाउंट्स में पढ़ के आए हैं क्लास 11 12 द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द गुड्स एंड सेटिंग अप आर्ट एस पर द इंटेंडेड क्वांटिटी और डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एलोकेशन एलोकेशन है क्या असर्टेनमेंट है बताएंगे गाइस एलोकेशन नहीं असर्टेन कर रहे हैं यहाँ पर हम एप्रोप्रिएशन अ सर्टेनमेंट आंसर इज फॉल्स इन केस ऑफ कैरिज ऑफ गुड्स बाय वेयर द सेल हैज टू डिलीवर द कुर दोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन द कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज एफ ओ बी कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन नंबर अगेन ये आंसर फॉल्स थोड़ी देर पहले जस्ट अ फ्यू मिनट से गो मैंने आपको बताया इसे हम एक्सशिप कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं ओके नेक्स्ट क्या फिलिंद ब्लैंक में किया है हमने ओके राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी एक्सरसाइज बाय सेलर बायर एक्स फ्रॉडलेंटली या दैट्स ट्रू फ्रॉड कर रहे हैं तो स्टॉपेज वहाँ पे भी करा सकता है ठीक है स्टॉपेज वहाँ भी करा सकता है इन सेलर क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट कैन बी एक्साइज सेलर सेलर है ये ठीक है बायर इंसॉलमेंट हो जाता है तो भी है बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग ट्रू होना चाहिए बुक में आंसर इसका फॉल्स दे रखा है

से डंपिंग बोलते हैं क्या जी डंपिंग बोलते हैं डंपिंग बोलते हैं नेक्स्ट क्या अंडर सेक्शन इलेवन ऑफ पेमेंट कैन बी एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ बताएंगे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पेमेंट पेमेंट केस में पेमेंट नहीं आता टाइम ऑफ पेमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है टाइम ऑफ एक्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है या अंडर सेक्शन इलेवन ऑफ सोगाट क्या एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ओके बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ अच्छा यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ लॉ है या ऑपरेशन यहाँ पे बोल रहा है बाय अग्रीमेंट है पे ऑपरेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ से फॉल्स है है सेक्शन इलेवन के बारे में ही बात हो रही है। सेक्शन इलेवन के बारे में ही यहाँ पर दोनों ही केस में बात हो रही है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है असेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज डिलीवरी ऑफ गुड्स डिलीवरी ऑफ गुड्स असेंशियल क्या नो इट इज नॉट देर इज वॉट असेंशियल एलिमेंट्स क्या है असेंशियल एलिमेंट में डिलीवरी ऑफ गुड्स आता है नो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है असेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ठीक yeah, है और अगर मैं एसेंशियल एलिमेंट्स बोलती हूँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के तो यहाँ पे दो पार्टीज होनी चाहिए प्राइस होना चाहिए ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए है ना ऑब्जेक्ट uh, लीगल होना चाहिए कंसेंट ऑफ पार्टीज होनी चाहिए पार्टीज कम्पीटेंट होनी चाहिए सारी बातें हमने पढ़ी थी और परफॉर्मेंस के बारे में भी बातचीत हमने करी है जब मैं और से बोल रही हूँ बट डिलीवरी नहीं है गाइस कंडीशन वारंटीज भी है बट डिलीवरी नहीं है ओके okay? okay. गुड्स डिस्प्लेड इन विल अमाउंट टू ये तो हमने खैर ऑफर और उसमें पढ़ा था इनविटेशन टू ऑफर में बताइए गुड्स जो डिस्प्ले और रखी है विंडो में प्राइस के साथ इज इन दाइज आपके आंसर कुछ बुक में गलत दिए हुए हैं बट ऑफर ये हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़कर आ यस क्वेश्चन नंबर थ्री गो टू क्वेश्चन ट्वेंटी फोर ए गेव अ पीस ऑफ सूट लेंथ टू एक्स अ लीडिंग टेलर टू बी रिटर्न टू हिम ऑन पेमेंट ऑफ हिज चार्जेस आफ्टर मेकिंग पार्टी ड्रेस फ्रॉम हिम दिस इज द केस ऑफ सेल क्या ये सेल है क्या ये सेल है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलवेंट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स टर्म अनपेड सेलर इंक्लूड द एजेंट ऑफ द सेलर दैट ऑल्सो ट्रू सेलर कैन सुव फॉर द प्राइस ओनली वेन द प्रोपर्टी इन गुड्स एपायर बताइए सिर्फ और सिर्फ जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है तभी आप सू कर पाओगे अनपेड अगर आप ही के पास है गुड्स पास ही नहीं हुए तो आप किस बात के लिए सू करोगे ना और स्पेसिफिकली बनाया हो तो वहां पर बात बदल जाएगी राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन एक्सरसाइज सब्जेक्ट टू द तो फुलफिलमेंट ऑफ सब कंडीशन कुछ कंडीशंस फुलफिल होएंगी तब ही राइट और स्टॉपेज ऑफ गुड आप रास्ते में रोक सकते हो इज दैट ट्रू या दैट्स ट्रू सेल इज नॉट नोटिफाइड टू सब्जेक्ट टू बी सब्जेक्ट ऑफ अ राइट टू बिड ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर और एनी सच पर्सन द सेल शाल बी ट्रीटेड एज इमोरल बाय द बायर इज दिस ट्रू जब बताया नहीं गया है सेल में बताया नहीं गया राइट टू बिड ऑन बिहाफ ऑफ सेलर बे सेलर के बिहाफ पे कोई बिड कर रहा है है ना इसको इमोरल बोलेंगे दैट्स ट्रू दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू या नेक्स्ट द सेलर कैन रेज द प्राइस बाय फिक्शियस बिड इन ऑक्शन विद द हेल्प ऑफ प्रिटेंड बिडिंग दैट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शनल बायर एंड हेरिटेज नॉट करेक्ट आंसर इज फॉल्स राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट कैन सेल सॉल इनमें अलाइनमेंट पे आ रही होगी या फॉल्स हो जाएगा एस अग्री टू सेल टेन सिल्वर क्विंस रुपीज फोर थाउजेंड टू बी दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल क्या एग्जाम्पल सेल का है चार हजार रुपये लो दो मुझे और दस कॉइन ले लो दैट्स ट्रू दैट्स ट्रू ठीक है यहाँ तक किसी का कोई शक कोई सवाल ओके लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर थर्टी टू देन

इज इट वन थर्ड इट इज नॉट गोइंग टू बी वन थर्ड इट इज एक्चुअली टू थर्ड ये इस वजह से फॉल्स है इट इज गोइंग टू बी टू थर्ड ऑफ इट्स वैल्यू ये सबने पढ़ाई है नेक्स्ट क्वेश्चन दिन पेड से राइट अगेंस्ट अ गुड सोल्ड वेन द प्रोपर्टी इन द गुड पास टू दायर दट ऑल्सो ट्रू चाहे चाहे सामान पास क्यों पास ही क्यों ना हो गया हो गुड्स गुड्स चाहे पास ही क्यों ना हो गई हो बायर के पास तभी भी राइट अगेंस्ट अनपेड सेलग के तभी भी राइट्स रहेंगी एम आई क्लियर क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव एनी क्वेश्चन एनी बडी यस ऑल ऑफ यू गाइस आई वांट यू गाइस टू रिस्पॉन्ड टू मी ओके okay. जब आप लोग आंसर्स कमेंट बॉक्स में दे रहे होंगे व्हेन यू व्हेन यू रिस्पॉन्ड ओके इट इट मेक्स थिंग्स ईजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ओके केस ऑफ सेल बाय ऑक्शन द रेज द प्राइस द सेल इज वॉइड नो इट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर एम पढ़ के आए हैं थोड़ी देर पहले हमने एक सिमिलर क्वेश्चन किया था फाइंडर ऑफ गुड्स कैन सेल द गुड्स इफ दे आर पेरिसेबल यस दैट्स ट्रू लिविंग गुड्स एक्चुअली अ एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव नहीं है एक्चुअल और होएगा तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा रिस्क इज एसोसिएटेड विद पोजेशन ऑफ द गुड्स पोजेशन से है कि ओनरशिप से है रिस्क किसकी रिस्क किसकी ओनरशिप जिसकी तो पोजेशन ऑफ गुड से क्या रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा बताइए से क्या Risk transfer हो जाएगा of course, नहीं of course, नहीं है ना I hope आप लोग मेरे साथ हैं सिंपल सिंपल बातें आप समझ पा रहे हैं क्योंकि ये सिंपल बातों से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आराम से दिखने को मिलेंगे ठीक है बट मुझे एक बात बताइए मान लेते हैं मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर आपको सामान दिया ओके okay? वहां पर पोजेशन ट्रांसफर हो गया है बट रिस्क स्टिल उसी की है जिसकी ओनरशिप है इसलिए आंसर मेरे हिसाब से यहाँ फॉल्स ही होना चाहिए शायद बुक में इसका आंसर ट्रू दिया हुआ है यू हैव टू चेक दैट बट नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा आंसर फॉल्स होगा पोजेशन ही ओनरशिप के साथ ट्रांसफर होती है रिस्क ओके स्टिपुलेशन इज अ कंडीशन और अ वारंटी डिपेंड्स ऑन द कंडक्ट ऑफ पार्टीज हाँ डिपेंड करेगा कि वो कंडीशन है कि वारंटी है दैट्स ट्रू असेंशियल है या कोलेट्रल है असेंशियल है तो कंडीशन हो जाएगी कोलेटरल है तो वारंटी हो जाएगी द टर्म अनपेड सेलर एजेंट टू द बिल ऑफ लेडिंग इज एंडोर्स दैट्स ट्रू अगर कोई बंदा आ, कोई बंदा एंडोर्समेंट हो रखी है किसी को पेमेंट अभी मिलनी बाकी है पेमेंट मिलनी अभी बाकी है बिल ऑफ लेडिंग इज एंडोर्स्ड बिल ऑफ लेडिंग इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड एंडोर्समेंट किसकी हो रही थी गाइस हमने एंडोर्समेंट वाला एक क्वेश्चन देखा था डिड डू यू रिमेंबर हमने यहां कहीं पीछे देखा था एंडोर्समेंट वाला क्वेश्चन लेट मी जस्ट क्विकली चेक एंडोर्समेंट वाला क्वेश्चन हमने कहा देखा था हमने एम सी देखा था शायद बुक चेक करनी पड़ेगी क्विकली चेकिंग है इसकी मे मोमेंट ओके ट्रू इन हेयर

ओके okay. ओनर अभी सैलरी है क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री इन अॉक्शन सेल द ऑक्शनर 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 वारंट्स दैट ही हैज़ नो नॉलेज ऑफ एनी डिफेक्ट इन हिज प्रिंसिपल्स टाइटल वारंट कर रहा है हाँ कि बेच इसका बेच रहे हो आपको पता है कि उसी की ही प्रॉपर्टी है इन पिटेंट सेल इज अवेबल ऑफ सेलर नो एट द ऑप्शन ऑफ बायर के ऑप्शन पे होगा फॉल्स हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ओकेश्चन के इसी के साथ जो हमारे क्वेश्चन मिस हुए थे वो हमने कर लिए हैफट से जो शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन है वो भी कम्प्लीट कर लेते हैं Okay, what is auction sale? ऑक्शन सेल एक ऐसा मॉडल है सेलिंग का जहाँ पर आप लोग लोगों की बोली को इनवाइट करते हो पब्लिकली और जो हाईएस्ट ऑक्शनर होता है उसको जो हाईएस्ट बिडर होता है जो बिडिंग हाईएस्ट करता है उसको सामान देते हो इन एन ऑक्शन सेल द ऑक्शनर वारन्स द फॉलोइंग क्या क्या है द ऑक्शनर एयर इज अथॉरिटी टू सेल की वो बेच सकता है उसके बाद ऐसी कोई नॉलेज नहीं है कि कोई डिफेक्ट है इन प्रिंसिपल टाइटल सेट लास्ट क्वेश्चन था एंड ही वारन्स टू बीट टू गिव क्वाइट पोजेशन कोई आके उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा एक भाई पेमेंट दे दी तो भैया प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई नेक्स्ट क्या है अनपेड सेलर क्या जिसके पास पैसे नहीं आए पैसे चाहे थोड़े नहीं आए पूरे नहीं आए या कोई ऐसा नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया जिसकी जो डिसऑनर हो गया वो सारे से आप बन जा रहे हो अनपेड सेलर द सेलर हु हैज नॉट हुई द होल प्राइस ऑफ द गुड सोल्ड इज कॉल्ड एज अनपेड सेलर अकॉर्डिंग टू सेक्शन फोर्टी फाइव कर लीजिए ऑफ ऑफ्सोगा द सेलर कैन बी डीम्ड एज अनपेड सेलर जब पूरा प्राइस नहीं दिया है कोई ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया है ऐसा कोई निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया है जो डिसऑनर हो गया है ठीक है पार्टली पेड सेलर को भी अनपेड सेलर भी ही बोलेंगे सौ रुपए में साठ रुपए आया चालीस नहीं आए तभी भी आप अनपेड सेलर की ही कैटेगरी में फॉल करते हो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअल डिलीवरी क्या सामान दे दिया जैसे गाड़ी मैंने आपको दे दी मेरी गाड़ी से आपको दे दी है ना फिजिकल डिलीवरी हो गई है तो एक्चुअल डिलीवरी कहलाएगी ओके सिंबॉलिक डिलीवरी वेयर हाउस की चाबी दे दी हैंडिंग ओवर द की ऑफ वेयर हाउस दुड्स एन इनकेपेबल ऑफ एक्चुअल डिलीवरी केपेबल नहीं है ना द इट द मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग पोजेशन ऑफ गुड्स बाय द सेलर इज बाय द सेलर टू द सेलर बायर इसे सिंबॉलिक डिलीवरी बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एनेबी को बोला सीए को डाउन से सामान ले लो

या yeah, कंडीशन क्या है जो एसेंशियल है टू द एसेंशियल डिप्लेशन टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वारंटी जो कोलैटरल है टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है ना कोलैटरल है वारंटी और एसेंशियल है कंडीशन ओके बहुत अच्छे से सारा टॉपिक पढ़कर आए हैं अगर ये आपको में से कोई भी बात अगर आपको क्लियर नहीं है यू हैव टू चेक द प्रीवियस वीडियोज चार ही सेशन् चार साढ़े चार घंटे में सब कुछ कवर हुआ हुआ है ठीक है आई होप गए ये क्वेश्चन आपके हो गए होंगे जस्ट इन केस कुछ भी एम सी क्यू आपके बुक के छूटे होंगे तो मैं कम्प्लीट नॉ एल्टे का सेपरेट सेशन या फिर मैं जब मैं आपके साथ प्रैक्टिस सेशन करूँगी वहाँ मैं कंप्लीट कर लूँगी वैसे तो मैंने कोशिश करी है कुछ क्वेश्चन जो छूटे हुए थे मैंने आपको मॉड्यूल के uh, से करा दिए हैं जस्ट इन केस फिर भी कुछ रहता होगा फॉर नाउ आई टेक यू लीव लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलेगा नेक्स्ट सेशन में नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट के साथ आपसे मिलते हैं